हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 100 के पास वाले नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालें, वो भी एकदम आसानी से। 100 के पास मतलब जैसे 105 जो 100 से ज़्यादा हुआ, 117, 124, या तो 100 से कम जैसे 91, 95, 84, इन सब नंबरों का स्क्वायर कितनी आसानी से विदिन 2 to 3 सेकेंड में देखिए फ्रेंड कितनी जल्दी से आता है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड, इसके लिए आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर बहुत ही आसान अच्छे से तरीके से याद होना चाहिए। अच्छे तरीके से मतलब जैसे बोल दिया गया 24 के स्क्वायर तो तुरंत 576, ठीक है फ्रेंड। 23 के स्क्वायर 529, ठीक है फ्रेंड। और 15 का स्क्वायर 225, ऐसे तुरंत याद होने चाहिए, तभी फ्रेंड ये इफेक्टिव रहेगी। मतलब तुरंत याद रहेंगे तो तुरंत आप निकाल भी लेंगे, तुरंत लिख भी देंगे, जल्दी निकल आएगा। नहीं तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको इसमें ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जाके उसमें ट्रिक लगाएंगे तो और टाइम ले लेगा। इसलिए फ्रेंड आप कोशिश करिए, अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको हमेशा काम देंगे फ्रेंड। हर कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में या थ्योरी क्लासेस में, अगर आप 12th या 11th में हैं तो हर जगह आपको ये यूज़फुल रहेगा। अगर 1 से 25 तक तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड फिर स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ हमें निकालना है 105 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए फ्रेंड सब बेस तो हमने 100 लिया है फ्रेंड, 100 के पास। तो बेस हम देख लेंगे पहले हमारा नंबर कितना ज़्यादा है 100 से। बेस हमने 100 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है फ्रेंड। इसी को हम कितना ज़्यादा या कितना कम है, इसको हमने एक नेम दे दिया है इस टर्म को कि डेविएशन। इसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन। जितना ज़्यादा रहेगा, जितना कम रहेगा 100 से, उसको डेविएशन। ज़्यादा कम बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक सिंपल सा नेम दे दिए हैं डेविएशन, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए चलिए फ्रेंड, तो हमें 105 का स्क्वायर निकालना था, तो हम देखेंगे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, डेविएशन मतलब 5 है तो प्लस 5 ज़्यादा है, तो इसलिए प्लस, कम रहता है माइनस। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है फ्रेंड। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा फ्रेंड। 5 का स्क्वायर 25, ये कुछ नहीं, बस यही लिख लेना है फ्रेंड। हाँ एक फ्रेंड और ध्यान रखना, जब भी हम लिखेंगे डिवीजन के स्क्वायर करके, जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे हमेशा हम 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। अगर हमारा सपोज 1 डिजिट में होता, जैसे सब 3 होता डिवीजन, तो इसका स्क्वायर 9 आता, तो ये एक ही डिजिट में है, तो इसको हम 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डेट इज 0, 9 और 9 सेम ही चीज़ है, तो अब 2 डिजिट होगा, इसको लिखेंगे फ्रेंड। और सपोज जैसे हमारा नंबर होता, डिवीजन होता हमारा 13 होता, तो स्क्वायर इसका होता 169 होता, तो हम इसमें भी ये 3 डिजिट का है, तो इसके लिए हमें बस लास्ट 2 डिजिट ही लिखना रहता है। लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे और जो बची हुई डिजिट रहेगी उसको कैरी के रूप में यूज़ करेंगे, जो आगे जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 25 आ गया फ्रेंड, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देना है हमें फ्रेंड, जो हमारा डेविएशन था और जो गिवन नंबर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 110 फ्रेंड। बस इसी को कुछ नहीं, बस इसी नंबर को हमें यहाँ पर लिख देना है फ्रेंड, कितना हो जाएगा 110, यही आपका आंसर है फ्रेंड, 110 25, 105 का स्क्वायर। देखा फ्रेंड कितना आसान है। चलिए एक और देख लेते हैं। सपोज हमें निकालना है 124 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें डेविएशन कितना है, 100 से ज़्यादा डेविएशन है, मतलब 100 से कितना ज़्यादा वही डेविएशन होता है, 100 से हमारा ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है फ्रेंड, तो 3 डिजिट में है, तो लास्ट 2 डिजिट ही हमें लिखना रहता है, तो लास्ट 2 डिजिट लिख दिया, बचा कितना 5, तो 5 हमारा कैरी हो गया। अब हमें क्या करना रहता था, इसको ऐड कर देना रहता था फ्रेंड, डेविएशन और जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा 148 हो जाएगा इसमें, और अब जो है इसको यहीं लिख देते थे फ्रेंड, इस ये नंबर को हम यहीं लिख देते थे, लेकिन हमारा कैरी अब, हाँ यहाँ 5 था, पहले हमने कैरी 76 ही लिखा था, 5 हमारा कैरी था, इसको हम ऐड कर देंगे, तो 145 प्लस 5 हो जाएगा 153 ना फ्रेंड। अब इस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे तो 153 हो जाएगा, तो यही लिख देंगे तो 153 76, ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका स्क्वायर। देखिए फ्रेंड कितना आसान। अब चलिए, अभी तक तो हमने देखा कितना ज़्यादा, अगर सब 100 से ज़्यादा रहता तो, अब 100 से कम वाला भी कर लेते हैं। सपोज हमारा नंबर होता 97, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा अब इसमें हम चेक करेंगे 100 से कितना कम है डेविएशन, कितना कम है, तो माइनस थे क्योंकि कम है तो माइनस लिखेंगे, तो ठीक है फिर अब हमें कुछ नहीं करना है, कम है तो माइनस थे। अब इसका सेम ही करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो हम 2 ही डिजिट हमेशा लिखना रहता है, तो इसको 0, 9 करके लिख देंगे। अब माइनस 3 है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, या तो मतलब कम है 100 से तो बस सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट कर दोगे 94 आ जाएगा नंबर में से, डेविएशन सबट्रैक्ट कर दें, 94 कम है तो इसलिए सबट्रैक्ट। अगर हमारा 100 से लेस रहेगा गिवन नंबर तो सबट्रैक करना है, ठीक है फ्रेंड, सबट्रैक करना है, देन हम सबट्रैक करेंगे फ्रेंड। और अगर हमारा 100 से ग्रेटर है गिवन नंबर
तो हम ऐड कर देंगे फ्रेंड डेविएशन, और जो हमारा नंबर है ऐड है, ठीक है फ्रेंड। चलिए ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम करते हैं। तो हमारा डेविएशन 9 आ गया। अब ऐड कर ये सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि 100 से कम था, तो अब इसी नंबर को यहाँ पे लिख देना, तो ये हमारा हो जाएगा 9409 आंसर, ठीक है फ्रेंड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हम ले लेते हैं 87 का स्क्वायर, तो हमारा डेविएशन कितना है फ्रेंड, 13 है, माइनस में क्योंकि कम है 100 से, कुछ नहीं 13 का स्क्वायर 169, डबल डिजिट लिखना है, 69 लिख दिया, 1 कैरी हो गया, और इसमें नंबर में से डेविएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे 474 हो जाएगा, और 1 कैरी था 75, इसी को यहाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अभी तक तो हमने समझने के लिए किया कि कैसे समझने के लिए, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। अब हम फ्रेंड देखेंगे कि हम रियलिटी में करेंगे कैसे, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम निकालते हैं। ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 लिख दिया, और 9 + 109 118 हो गया फ्रेंड। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड, 23 ज़्यादा है, 23 का स्क्वायर 529, 29 लिख दिया, 5 हमारा कैरी, 123 + 23 146, 5 151। देखिए फ्रेंड कितनी जल्दी जल्दी निकाल रहा है ना। अब इसमें कम वाले का भी देख लेते हैं, ये कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन हमेशा दो डिजिट लिखना है, तो इसलिए 01, और इसमें 99 में से 1 माइनस कर देंगे, 98 इसका स्क्वायर हो गया। 81 कितना कम है, 19 कम है, 19 का स्क्वायर 361, 61 लिख दिया, 3 कैरी हो गया, इसमें से 83 - 3 करेंगे तो 78, और नहीं 81 माइनस हमारा 19 करेंगे फ्रेंड, 19 करेंगे क्योंकि 19 कम है ना 100 से, 19 करेंगे कितना आएगा, 90 हो जाएगा, 62 आएगा फ्रेंड्स, और 62 + 3 कर देंगे 65 फ्रेंड्स इसका आंसर, ठीक है ना फ्रेंड, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, कल हम बात करेंगे कि किसी जो 50 के करीब, कोई भी नंबर जो हमारा 50 के आसपास में है, उसका स्क्वायर देखिए फ्रेंड, वो तो इससे भी तेज आएगा, जो आज हमने बात की इनसे भी तेज, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।